मुस्लिम की बात ही मत करिए, मूल निवासी की बात मत करिए। व्हाट इज मुस्लिम? ये भारत का मूल निवासी है, इसी को, मुस्लिम को, ईसाई को इसी में तोड़ कर तो ये काम कर रहे हैं। हमने नहीं तोड़ना, ये भारत के मूल निवासी हैं, जो भारत के रहने वाले ओरिजिनल हैं। ये सब आपस में भाई हैं, डीएनए के भाई हैं, ब्लड का इनका रिश्ता है। यही बात तो आरएसएस प्रमुख भी कहते हैं। हाँ कहते हैं, डीएनए सबका तो मजबूरी हो गई। आज हमारे माननीय बावन वेशराम साहब ने मजबूर कर दिया तो कहना पड़ रहा है। इसे सी विदेशी विदेशी भारत के मूल निवासियों को 4,747 जातियों में तोड़कर एक जाति को ये कह के ये विदेशी हैं और अपने आप को छुपाया है, जबकि वो खुद विदेशी है। इसलिए आज मजबूरी आ गई, वान वेशराम साहब ने सर ने ये मजबूर कर दिया। आज मोहन भागवत भी कहने पर मजबूर है कि हम हमारा डीएनए यही का है, जबकि उसका डीएनए जाकर नहीं है। माइकल बामसार साहब ने, जो साइंटिस्ट हैं अथास यूनिवर्सिटी के अमेरिका के, उन्होंने पूरी दुनिया का सर्वे किया जिसमें भारत के जो मनुवादी लोग हैं उनका डीएनए 99.98% विदेशी पाया गया, जो यूरेशिया के रहने वाले लोग हैं। मतलब जो ये सबका डीएनए सेम बता रहे हैं, ये इनका डीएनए अलग है? मतलब जो सबका डीएनए सेम बता रहे हैं उनका डीएनए अलग है? हाँ, उनका डीएनए अलग है। ये जितने भी मूल निवासी है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में मुस्लिम सिख ईसाई जैन लिंगायत आदिवासी आदि आदि बहुत, ये सब किसी भी मैदान में। मुस्लिम की बात ही मत करिए, मूल निवासी की बात मत करिए। व्हाट इज मुस्लिम? ये भारत का मूल निवासी है, इसी को, मुस्लिम को, ईसाई को इसी में तोड़ कर तो ये काम कर रहे हैं। हमने नहीं तोड़ना, ये भारत के मूल निवासी हैं, जो भारत के रहने वाले ओरिजिनल हैं। ये सब आपस में भाई हैं, डीएनए के भाई हैं, ब्लड का इनका रिश्ता है। यही बात तो आरएसएस प्रमुख भी कहते हैं। हाँ कहते हैं, डीएनए सबका तो मजबूरी हो गई। आज हमारे माननीय बावन वेशराम साहब ने मजबूर कर दिया तो कहना पड़ रहा है। इसे सी विदेशी विदेशी भारत के मूल निवासियों को 4,747 जातियों में तोड़कर एक जाति को ये कह के ये विदेशी हैं और अपने आप को छुपाया है, जबकि वो खुद विदेशी है। इसलिए आज मजबूरी आ गई, बावन वेशराम साहब ने सर ने ये मजबूर कर दिया। आज मोहन भागवत भी कहने पर मजबूर है कि हम हमारा डीएनए यही का है, जबकि उसका डीएनए जाकर नहीं है। माइकल बामसार साहब ने, जो साइंटिस्ट हैं अथास यूनिवर्सिटी के अमेरिका के, उन्होंने पूरी दुनिया का सर्वे किया जिसमें भारत के जो मनुवादी लोग हैं उनका डीएनए 99.98% विदेशी पाया गया, जो यूरेशिया के रहने वाले लोग हैं। मतलब जो ये सबका डीएनए सेम बता रहे हैं, ये इनका डीएनए अलग है? मतलब जो सबका डीएनए सेम बता रहे हैं उनका डीएनए अलग है? हाँ, उनका डीएनए अलग है। ये जितने भी मूल निवासी है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में मुस्लिम सिख ईसाई जैन लिंगायत आदिवासी आदि आदि बहुत, ये सब।